किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्रेजल सिस्टम इंडिविजुअल की जॉब परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड पर्सनल ट्रेट्स के इवेल्युएशन में की रोल प्ले करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए अप्रेजल सिस्टम काफी जरूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव किया जा सके अलॉन्ग विद द इंडिविजुअल एस्पिरेशंस। इंडियन एयरफोर्स भी अपने पर्सनल के अप्रेजल रिपोर्ट्स मेंटेन रखती है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा मेंटेन अप्रेजल रिपोर्ट को कैसे और कहां यूटिलाइज किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमोशंस की। एयरमैन की हर रैंक पर प्रमोट होने के कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना मैंडेटरी है। एयरमैन को प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने से पहले उसको प्रमोशन एग्जाम क्लियर करना होगा। किसी भी रैंक पर प्रमोट होने के लिए एयरमैन की मिनिमम नंबर ऑफ सर्विस कंप्लीट होनी जरूरी है। मिनिमम नंबर ऑफ सर्विस और दूसरी सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद AR यानी अप्रेजल रिपोर्ट को कंसिडर किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग ही सीक्वेंस में प्रमोशन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन फॉर वेरियस पोस्टिंग्स विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। किसी भी एयरमैन को स्पेशल पोस्टिंग या अब्रॉड पोस्टिंग देने से पहले उसका AR कंसिडर किया जाता है और वेकेंसी, ट्रेड रिक्वायरमेंट और पोस्टिंग एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एयरमैन को अब्रॉड पोस्टिंग के लिए डिटेल्ड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कमिश्निंग। इंडियन एयरफोर्स सभी एयरमैन को कई मौके देती है जिसके थ्रू कोई भी एयरमैन अप्लाई कर सकता है फॉर ऑफिसर एंट्री, पर इसके लिए एयरमैन को अपने कमांडिंग ऑफिसर से प्रायर परमिशन लेनी होती है और CO परमिशन देने से पहले AR को कंसिडर करके ही परमिशन ग्रांट करेगा। अगर आपका अप्रेजल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फॉर एनी ऑफिसर एंट्री। डेप्यूटेशंस, बिल्कुल स्पेशल और अब्रॉड पोस्टिंग की तरह एयरमैन को डेप्यूटेशन पर भेजने से पहले उनका AR कंसिडर किया जाता है। वेकेंसी एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पहले सभी एयरमैन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और शॉर्टलिस्ट एयरमैन को AR के अकॉर्डिंग डेप्यूटेशन पर भेजा जाता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया एयर हेडक्वार्टर द्वारा सेट किए जाते हैं और सिलेक्शन कम्प्लीटली मेरिट बेसिस पर होता है। नेक्स्ट, कोर्सेज एंड रीमस्टरिंग। एयरक्राफ्ट, वेपन्स और इक्विपमेंट में हो रहे कॉन्स्टेंट अपडेशन से डील करने के लिए एयरमैन को कई कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये कोर्स सर्विस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विद इन इंडिया और अब्रॉड में कंडक्ट किए जाते हैं और इन कोर्सेज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट और इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होता है, जिसमें एक अच्छा एयर होना काफी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपनी करंट ट्रेड को चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हो और ट्रेड चेंज करने के इस प्रोसेस को ही हम रीमस्टरिंग बोलते हैं। इंडिविजुअल रीमस्टरिंग के लिए ऑप्ट कर सकता है आइदर फॉर करियर प्रोग्रेशन और ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। मैंडेटरी 20 इयर्स की सर्विस कंप्लीट करने के बाद एयरमैन को सर्विस एक्सटेंशन देना होता है और एयरमैन को इस एक्सटेंशन के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर एक्सटेंशन देना होता है। एक्सटेंशन ऑफ सर्विस के टाइम पर AR को भी कंसिडर किया जाता है और अगर आपको किसी कारण से एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो उस केस में आपको सर्विस से डिस्चार्ज होना होगा। ऑनररी कमीशन। कुछ सिलेक्टेड वारंट ऑफिसर और अबव रैंक एयरमैन को ऑनररी कमीशन दिया जाता है बिफोर देयर रिटायरमेंट। लाइक करें हमारी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।